विशाखा व्यास शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ लोटस ग्लो एंड डिटेन मिनरल सनस्क्रीन का। दिस इज़ द सनस्क्रीन। इसे अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया था क्योंकि आ रही हैं बहुत सारी समर्स कड़क वाली और हमें सनस्क्रीन की भर भर के ज़रूरत पड़ेगी। इसमें है SPF 50 PA++++। जी हाँ, इसमें 4x+ है। उसी के साथ इसकी बेसिक डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो ये है ₹645 का एंड 3 साल इसकी शेल्फ लाइफ है और 50 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। और लोटस के सनस्क्रीन अभी तक मेरे फेवरेट रहे हैं। इसके काफ़ी सारे सनस्क्रीन हैं जो मुझे पसंद है। कुछ सनस्क्रीन ऐसे हैं जो मुझे नहीं पसंद क्योंकि वो स्टिकीनेस क्रिएट करते हैं, बट कुछ सनस्क्रीन है जो बिल्कुल भी स्टिकीनेस क्रिएट नहीं करते हैं। इसमें है नॉन कॉमेडोजोनिक, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, फॉर ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है। इसी के साथ इसमें UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, वाटर रेजिस्टेंस है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन है। बेसिकली ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं जो हमें सनस्क्रीन के तौर पर चाहिए होती हैं और हमें सन रेज से बचाने के लिए उसकी ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और इसके अंदर है नॉन प्रिजर्वेटिव, प्योर बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट है। उसी के साथ इसमें प्रोटीन फॉर्मूलाज हैं और ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है क्योंकि इसे मैंने अप्लाई किया है पिछले काफ़ी दिनों से। एंड उसी के साथ मेरी सिस्टर भी यहाँ कुछ दिनों के लिए आई थी तो उसने भी अप्लाई किया था एंड उसकी स्किन पर भी इसने काफ़ी अच्छे से वर्क किया। सो अब मैं बताती हूँ आपको इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला है कुछ इस तरह से और ये जो क्वांटिटी है ना, ये आपके एक बार के फेस के लिए इनफ है। आप चाहे तो रीअप्लाई कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम्स। तो इस तरह से ये अप्लाई हो जाता है। इसे आप क्या करें, अपने फेस पर पहले डॉट डॉट फॉर्मेट से लगा लें, उसके बाद बचा हुआ जो सनस्क्रीन है ना उसको हाथों पर इस तरह से रब करके और फिर उसे अपने फेस और नेक पर लगा सकते हैं। साथ ही ये हैंड्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। कल मुझे सडनली मार्केट जाना पड़ा था एंड मेरा स्कार्फ भी वॉश्ड था तो मैं यही सनस्क्रीन अप्लाई करके गई हूँ एंड होपफुली मैं 1.5 घंटे धूप में रही हूँ लेकिन मेरी स्किन पर बिल्कुल 1% टैनिंग बोल सकते हैं। टैनिंग हुई है बट 1% हुई है। तो मैं इसे हाईली सजेस्ट करूँगी। थोड़ा सा अफोर्डेबल तो नहीं है बट ये मेरा करंट फेवरेट सनस्क्रीन होने वाला है। सो इसकी अनदर डिटेल की बात करें तो ये आपके स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस करके रखता है, नॉन ग्रीजी रखता है। बिल्कुल जैसे सनस्क्रीन चिपचिप करते हैं ना वैसे बिल्कुल भी नहीं करता है। आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा दिन घूम सकते हैं। और बेटर रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है कि 2 घंटे में इसे अप्लाई करना है। 2 घंटे में तो नहीं पॉसिबल होता बट हाँ, 4 घंटे में आप इसे रीअप्लाई कर सकते हैं सो दैट ये आपके लिए काफ़ी अच्छा वर्क करे। सो जिन लोगों के धूप में जाने का ज़्यादा काम रहता है उन लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट है। इसे मैन यूज़ कर सकते हैं, इसे विमेन यूज़ कर सकती हैं और इसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं। तो आप डेफिनेटली इसे यूज़ कर सकते हैं और स्पेशली किचन में जाने से पहले तो इसे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा विमेन्स, क्योंकि किचन की जो गैस की रेज होती है ना उनके लिए भी इट्स अ वेरी परफेक्ट। हमारी स्किन पर अक्सर दाने दाने हो जाते हैं तो उस वजह से हो जाते हैं, जिस वजह से हम गैस के आसपास वर्क करते हैं इतनी भयंकर हीट में। तो उसके लिए भी दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रोटेक्ट योर स्किन। तो ये सनस्क्रीन मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है एंड सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा आपकी स्किन को। मैं पिछले 15 दिन से इसे यूज़ कर रही हूँ, अब तक अगर कुछ भी रिएक्शन होना होता तो वो हो चुका होता। सो दिस इज़ द बेस्ट सनस्क्रीन इन दिस समर। सो दिस इज़ माई रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। आई होप आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।